नमस्कार। देश की सियासत में दिल्ली से होता हुआ रेवड़ी कल्चर अब अमेरिका की सियासत में भी दाखिल हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी आधे दामों पर बिजली एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सबसे पहले बिजली का दाम कम करने और फ्री बिजली का वादा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था, और अब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बिजली के दाम आधा करने का वादा कर रहे हैं। वादा भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किया हो, लेकिन इस पर चर्चा यहां भी खूब हो रही है। अब तो खुद बिजली पर रेवड़ी कल्चर की शुरुआत करने वाले इसे रेवड़ी कल्चर बता रहे हैं, यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने देश में भी दूसरे सियासी दलों को चुनाव के दौरान फ्री वादों की घोषणा करने पर मजबूर कर दिया। अब हुआ क्या आपको ये बताते हैं। दरअसल अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में भी भारत की ही तरह देश के नागरिकों से तरह तरह के चुनावी वादे किए जा रहे हैं। दिल्ली वालों की ही तरह अमेरिकी नागरिकों को मुफ्त या आधे दामों पर बिजली दी जाएगी, ये सबसे बड़ा वादा है। दरअसल मिशिगन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 12 महीनों के भीतर ऊर्जा और बिजली की कीमत आधी कर दूंगा। हम अपने पर्यावरण संबंधी अनुमोदनों में गंभीरता से तेजी लाएंगे और अपनी बिजली क्षमता को जल्दी से दोगुना कर देंगे। इससे मुद्रास्फीति कम होगी और अमेरिका और मिशिगन फैक्ट्री बनाने के लिए धरती पर सबसे अच्छी जगह बनेंगे। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह का वादा संभवतः पहली बार किया गया है। हालांकि ट्रंप के इस वादे का क्या होगा असर, ये तो अमेरिका में चुनाव संपन्न होने के बाद ही साफ हो पाएगा। बहरहाल इधर डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा है कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वे बिजली की दरें आधी कर देंगे, अमेरिका में मुफ्त की रेवड़ी पहुंचेगी। यानी अरविंद केजरीवाल खुद इसे मुफ्त की रेवड़ी बता रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में जैसे ही चुनावी दौर आता है, सभी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां यानी कि वादे करने लगती हैं। नेता जनता को लुभाने के लिए कई वादे करते हैं, जैसे कि दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त में बस सर्विस, 200 यूनिट फ्री बिजली, ऐसे वादे कई राज्यों में चल रहे हैं और निभाए भी जा रहे हैं। इस प्रकार की चुनावी रेवड़ी अमेरिकी चुनाव में पहली बार देखने को मिल रही है, या कहें कि इस तरह के वादे पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सामने आ रहे हैं। इधर केजरीवाल ने जिस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें मिशिगन में रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव खत्म होने के बाद अगर मैंने पद ग्रहण किया तो 12 महीने के भीतर भीतर बिजली के बिल, जिसमें कार, एयर कंडीशनर और ऊर्जा बिल हैं, और साथ ही गैसोलीन का प्राइस 50% तक कम कर दिया जाएगा। हमारे पास इसे अंजाम तक पहुंचाने की ताकत भी है। हमें ना जहाज की जरूरत है ना ही लंबी ट्रेन की, हमारे पास सब कुछ है। हमें पाइपलाइन बनाने हैं, ये ट्रेन से ढोने की अपेक्षा काफ़ी किफ़ायती और सुरक्षित है। इससे ऊर्जा के दाम आधे करने में हमें मदद मिलेगी। ट्रंप ने आगे कहा कि आपको ये सुविधा मेरे पद ग्रहण करने के एक साल के भीतर या एक साल के अंदर अंदर ही मिल सकती है। सभी दाम 50% से कम हो जाएंगे, महंगाई बहुत कम होगी, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ऐसा करने के लिए हम पर्यावरण को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने वाले हैं। हम पर्यावरणविद से संपर्क करेंगे, इसी के साथ अमेरिका और मिशिगन को महान बनाएंगे। तो ये बड़े बड़े वादे अमेरिका चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में हो रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, आधे बिजली के दाम आधे करने का वादा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जैसे कि भारत में चुनावी मौसम में ऐसे ही बड़े बड़े वादे होते हैं, उसी तरह अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े वादे पूरे अमेरिका के लिए कर रहे हैं। वाकई ये वादा किसी एक राज्य, किसी एक स्टेट, किसी एक प्रांत के लिए नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका के लिए है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी कि बिजली के दाम आधा करने का वादा उनके पद ग्रहण करने के एक साल के भीतर भीतर। बहरहाल तो ट्रंप का वादा कितना और कैसे पूरा होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस पर बात करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, या कहें कि बहुत
मज़ा आ रहा है, यानी कि जितनी चर्चा अमेरिका में इस मुद्दे पर हो रही है उतनी ही चर्चा देश में भी हो रही है। और ख़ास तौर से जो रेवड़ी कल्चर, या कहीं जो दिल्ली से रेवड़ी कल्चर की शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी, वो उनके इस भाषण को शेयर कर रहे हैं। आप सोचिए कि वादा अमेरिका में और चर्चा भारत में। आज इतना ही।